हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ख्याति सेठी। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सतगुरु इंस्टीट्यूट। आई होप यू ऑल फाइन। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर्स। तो इससे पहले हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं, अ हैप्पी प्रिंस, वेयर इज साइंस टेकिंग अस एंड सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, और लास्ट वीडियो में हमने किया था लेसन 4, अ गिफ्ट फॉर क्रिसमस। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अ गिफ्ट फॉर क्रिसमस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। सो प्लीज़ ये वीडियो को आप एंड तक देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, वाई वाज स्टेला क्राइंग, जो डेला थी वो क्यों रो रही थी। बिकॉज शी डिड नॉट हैव मनी टू बाय अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर जिम, दैट्स वाई शी वॉज क्राइंग। सो फ्रेंड्स, जो डेला थी वो अपने हस्बैंड यानी कि जिम को क्रिसमस गिफ्ट देना चाहती थी, पर उसके पास इतनी मनी नहीं थी कि वो गिफ्ट खरीद पाए, इसीलिए वो रो रही थी डेला। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पॉवर्टी ऑफ डेलाज हाउस, जो डेला का घर है उसकी जो पॉवर्टी यानी कि जो गरीबी है उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आंसर है इसका, साइंस ऑफ पॉवर्टी वर एवरीवेयर इन द हाउस। आप अगर उसके घर की तरफ नज़र डालोगे तो आपको सिर्फ साइंस ऑफ पॉवर्टी ही दिखेंगे यानी कि गरीबी के संकेत दिखेंगे। शी हैड ओनली अ डर्टी लिटल काउच, उसके पास एक काउच था यानी कि एक सोफ़ा था जो कि बहुत ही डर्टी गंदा था। तो इससे पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से थे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ प्रेजेंट हैड डेला प्लान्ड फॉर जिम, डेला थी उसने किस तरह का प्रेजेंट यानी कि किस तरह का गिफ्ट प्लान किया था जिम को देने के लिए। तो आंसर क्या है इसका, डेला वांटेड टू बाय समथिंग फाइन एंड रेयर प्रेजेंट फॉर जिम, जो डेला थी वो कुछ फाइन यानी कि कुछ अच्छा सा, कुछ दुर्लभ चीज़ यानी कि कुछ रेयर गिफ्ट वो जिम को देना चाहती थी। ही कुड फील प्राउड ऑफ, जिससे जिम को खुद पर प्राउड फील हो, खुद पर मान महसूस हो, गर्व महसूस हो, ऐसा कुछ तोहफा डेला जिम को देना चाहती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द टू प्राइज्ड पोजेशंस ऑफ जिम एंड डेला, जिम और डेला के पास कौन सी बहुमूल्य यानी कि अनमोल वस्तुएं थी। तो देखते हैं इसका आंसर, वन वाज जिम्स गोल्ड वॉच, जिम के पास सोने की घड़ी थी, दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंडफादर्स, जो जिम था उसको ये जो घड़ी थी, सोने की घड़ी थी, वो अपने फादर और ग्रैंडफादर से मिली थी। द अदर वाज डेलास ब्यूटीफुल हेयर, और डेला के पास बहुत ही सुंदर बाल थे, दैट रीच्ड बिलो हर नीज, जो कि उसके घुटनों के नीचे तक पहुँचते थे। तो जिम के पास थी गोल्ड वॉच और डेला के पास थे उसके ब्यूटीफुल हेयर। तो सो फ्रेंड्स, जो ओ हेनरी जो राइटर हैं उन्होंने डेलास के हेयर्स को ब्राउन कास्केट के साथ कंपेयर किया, यानी कि जो कास्केट क्या होता है, वाटरफॉल झरना, यानी कि भूरे रंग के झरने से डेला के बालों को कंपेयर किया। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, डिस्क्राइब द प्रेजेंट डेला बोर्ड फॉर जिम, जो डेला लाई थी प्रेजेंट यानी कि जो डेला गिफ्ट लाई थी जिम के लिए, उसका कैसे आप डिस्क्राइब करते हो। तो वो क्या लाई थी, डेला बोट अ प्लेटिनम वॉच एंड फॉर जिम, जो डेला थी वो जिम के लिए प्लेटिनम की बनी हुई वॉच की चेन लाई थी यानी कि घड़ी चेन, घड़ी की चेन लाई थी। इट वॉज सिंपल, वो जो चेन थी वो बिल्कुल सिंपल थी, बट वेल मेड, पर बहुत ही अच्छे ढंग से बनी हुई थी। इट वॉज वर्थी ऑफ वॉच, जो जिम के पास वॉच थी गोल्ड वॉच थी उससे बिल्कुल योग्य थी, यानी उसके जो पास घड़ी थी उसके बिल्कुल योग्य थी, वर्थी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड डेला मैनेज टू बाय द गिफ्ट, हमने फर्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ा था कि डेला रो रही थी क्योंकि उसके पास मनी नहीं थी, पर हम अब पढ़ रहे हैं कि उसने गिफ्ट दे दिया पर उसके पास पैसे कहाँ से आए, उसने मैनेज कैसे किया। तो इसका आंसर है, डेला सोल्ड हर ब्यूटीफुल ब्राउन हेयर्स इन $20, जो डेला थी उसने अपने बालों को, जो उसके बहुत ही बुरे बाल थे यानी कि
जो ब्राउन कास्केट थे, जिसने राइटर ने कंपेयर किया था ब्राउन कास्केट के साथ उनके बालों को, उसने अपने बालों को $20 में बेच दिया एंड विद दैट मनी, और उसी मनी से यानी कि जो उसको $20 मिले थे, शी बॉट अ गिफ्ट फॉर द जिम, उसी मनी से उसने डेला ने जिम के लिए गिफ्ट बॉट किया था, यानी कि खरीदा था गिफ्ट। व्हाट डिड डेला थिंक व्हेन शी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर? तो सेवंथ क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो डेला थी वो जब अपने आप को खुद को शीशे में देख रही थी तो वो क्या सोच रही थी? तो इसका आंसर क्या है, डेला वॉज स्टेयरिंग एट हरसेल्फ इन द मिरर। जो डेला थी वो अपने आप को मिरर में देख रही थी, स्टेयरिंग ध्यान से देख रही थी। शी लुक्ड लाइक अ स्कूल बॉय, वो एक स्कूल बॉय की तरह लग रही थी। शी वॉज नर्वस, वो घबराई हुई थी। शी थॉट, वो सोच रही थी, जिम वुड बी वेरी एंग्री विद हर, वो सोच रही थी कि जिम उससे बहुत गुस्सा होगा। तो जो डेला थी वो अपने आप को शीशे में देख रही थी, स्कूल बॉय की तरह लग रही थी, थोड़ी घबराई हुई थी और सोच रही थी कि जो जिम है उससे थोड़ा गुस्सा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वट वॉज जिम्स रिएक्शन ऑन सीइंग्स डेलास हेयर गॉन? जब जिम घर पर आया था तो जिम ने जब डेला को देखा था तो उसका रिएक्शन कैसा था जब उसे देखा कि जो डेला के बाल अब नहीं रहे? तो जिम वॉज नाइदर एंग्री नॉर सरप्राइज, जिम ना तो गुस्सा था ना ही हैरान था। ही वॉज लुकिंग एट डेला, वो डेला की तरफ देख रहा था विद अ स्ट्रेंज एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। जो जिम था वो डेला को बड़े ही अजीब भाव से यानी कि स्ट्रेंज एक्सप्रेशन से देख रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड डेला गिव टू जिम? जो डेला थी उसने क्या एक्सप्लेनेशन दी जिम को? तो क्या कहती है डेला, डेला टोल्ड जिम दैट शी वांटेड टू गिव हिम अ क्रिसमस प्रेजेंट। डेला जिम को बताती है कि वो जिम को गिफ्ट देना चाहती थी क्रिसमस का। सो शी सोल्ड हर हेयर, इसीलिए उसने अपने बालों को बेच दिया एंड बॉट अ गिफ्ट फॉर जिम, और जिम के लिए गिफ्ट को खरीद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज इन द पैकेज दैट जिम हैड ब्रॉट फॉर डेला? जो जिम ने पैकेट खरीदा था यानी कि जो पैकेज खरीदा था डेला के लिए उसमें क्या था? तो आंसर क्या है, द पैकेज कंटेन्ड अ सेट ऑफ वेरी ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव कॉम्ब्स विच डेला सा इन अ शॉप विंडो। जो वो पैकेट था जब डेला ने खोला तो उसमें एक बहुत ही सुंदर और महंगी कंघियों का एक सेट पड़ा था जो डेला ने एक शॉप की विंडो पर देखा था, जो उसे बहुत पसंद था। तो नेक्स्ट क्या है, हाउ डिड जिम मैनेज टू बाय द प्रेजेंट फॉर डेला? पहले हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो डेला थी उसने कैसे मैनेज किया था जिम को गिफ्ट देने के लिए। तब हमने देखा था कि जो डेला थी उसने अपने बालों को बेच दिया था और उन्हीं पैसों से उसने गिफ्ट खरीदा था। अब हम बैठते हैं कि जिम ने कैसे मैनेज किया डेला को गिफ्ट देने के लिए। जिम हैड अ ब्यूटीफुल गोल्ड वॉच, जिम के पास बहुत ही सुंदर गोल्ड वॉच थी। ही सोल्ड इट, उसने घड़ी को बेच दिया टू बाय अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर डेला। उसने अपनी घड़ी को इसीलिए बेच दिया ताकि वो डेला के लिए क्रिसमस का गिफ्ट खरीद सके। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जिम और डेला थे दोनों के पास बहुमूल्य वस्तुएं थी, यानी कि जिम के पास थी गोल्ड वॉच और डेला के पास थे ब्यूटीफुल हेयर्स। जिम ने अपनी गोल्ड वॉच को बेच दिया और डेला ने अपने बालों को बेच दिया ताकि वो एक दूसरे को तोहफा दे सके, उपहार दे सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड जिम नीड बैडली? जिम को किस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी? जिम नीड न्यू ओवरकोट, जिम को न्यू ओवरकोट की ज़रूरत थी एंड पेयर्स ऑफ ग्लव्स बैडली, और दस्तानों का एक जोड़ा था, पेयर्स था, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो देखते रहिए सतगुरु इंस्टीट्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग सतगुरु इंस्टीट्यूट।